हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 5 अगस्त की करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में तरंग शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तमिलनाडु, उत्तराखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तो तरंग शक्ति का अभ्यास कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा। तो ये तरंग शक्ति जो अभ्यास है, इसका ये पहला एडिशन होगा इसका। और इसको होस्ट कौन कर रहा है? इंडियन एयरफोर्स होस्ट कर रहा है। और एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होगी, यानी कि बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज होगी ये। इसमें कई सारे देश भाग लेंगे। इसका पहला चरण कहाँ पर होने जा रहा है? तो तमिलनाडु के सुलूर में होगा पहला चरण, 6 से 14 अगस्त के बीच में होगा। दूसरा चरण राजस्थान के जोधपुर में होगा, 29 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में। अब बात मिलिट्री एक्सरसाइज की हुई है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। डेजर्ट साइक्लोन, ये हमारी एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएई के बीच में, और हुई कहाँ पर थी? ये राजस्थान में हुई। बात करें डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज की, तो ये किन देशों के बीच में होती है? इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में होती है। दोस्ती एक्सरसाइज की बात करें तो इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, हुई कहाँ पर है? मालदीव्स में हुई है। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। विक्टस हेज, ये यूएसए की एक स्पेस फोर्स का एक्सरसाइज है जो अंतरिक्ष में पहली बार हुआ है। पूर्वी लहर अभ्यास, ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है। और देखते हैं शक्ति अभ्यास। शक्ति अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच का एक अभ्यास है, हुआ कहाँ पर है? मेघालय के उमरी में हुआ है। सहयोग काइजिन, ये इंडिया और जापान के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। धर्मागार्जिन एक्सरसाइज, ये भी भारत और जापान के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। नेक्स्ट बात करें सी डिफेंडर्स की, तो सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज जो है, ये इंडिया और यूएस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, हुई कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के अंदर पोर्ट ब्लेयर में हुई है। टाइगर ट्रम्फ एक्सरसाइज, ये इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, ये भारत के पूर्वी तट पर हुई है। तर्कस अभ्यास, ये भी भारत और यूएसए के बीच में होने वाला एक अभ्यास है। गगन शक्ति एक्सरसाइज, ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो हुई कहाँ पर? लक्षद्वीप में हुई है। गगन स्ट्राइक सेकंड, ये भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुई एक्सरसाइज है, और हुई कहाँ पर? पंजाब में हुई है। रेड फ्लैग अभ्यास, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज यानी कि बहुपक्षीय अभ्यास है, हुआ कहाँ पर है? इसमें भारत ने भाग लिया है, हुआ कहाँ पर है? अलास्का अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट अयोध्या एक्सरसाइज, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। साइक्लोन एक्सरसाइज, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, हुई कहाँ पर? इजिप्ट में हुई है। कटलास एक्सप्रेस, ये एक्सरसाइज जो हुई है, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें अपनी कंट्री के INS 3 ने भाग लिया है, हुई कहाँ पर है? पोर्ट विक्टोरिया सेसल्स में हुई है ये एक्सरसाइज। लमिती एक्सरसाइज, ये इंडिया और सेसल्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, और हुई कहाँ पर है? सेसल्स में हुई है। और देख लेते हैं खंजर एक्सरसाइज, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, और हिमाचल प्रदेश के बकलोर जिले में हुई है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज, ये नाटो की एक एक्सरसाइज, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्सरसाइज है। सदातंसिक अभ्यास इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होने वाला एक एक्सरसाइज है। डस्ट लीग एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जो है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है। सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसी इसमें भाग लेती हैं। तो ये सारी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? वेन वॉच इंडियन ऑर्गेन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड, 4 अगस्त, 3 अगस्त, 2 अगस्त या 1 अगस्त? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 अगस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाएगा 3 अगस्त को। और ये 3 अगस्त को क्यों मनाया जाएगा? तो ये 3 अगस्त को इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि 3 अगस्त 1994 में, 3 अगस्त 1994 में सबसे पहली बार किसी व्यक्ति ने अपना एक अंग डोनेट किया था भारत में, तो इसीलिए 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर मैया सम्मान स्कीम? झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो अब ऐसे कुछ
दिवस देख लेते हैं जो पहली बार मनाए जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये 12 जून को मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस ये 30 मई को मनाया जाएगा, विश्व फुटबॉल दिवस ये 25 मई से मनाया जाएगा, UNGA ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया। अब आपको बताना है कि मरखोर जो पशु है ये कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ये आपको बताना है। UNGA ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस घोषित किया। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है, महामारी के लिए तैयारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। और बात करें विभाजन विभीषिका दिवस ये 14 अगस्त को मनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च से मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि 23 अगस्त से मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये सारे ऐसे दिवस हैं जो हाल ही में 1 या 2 साल के भीतर इनको मनाना चालू किया है, तो ये आपको याद रखने हैं। ए झारखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड ने हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चालू की है, इसके तहत क्या होगा कि 1,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे महिला को जिनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच में होगी, उनको 1,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे। और योजनाएं देख लेते हैं जिसमें माताओं बहनों को रुपये दिए जाते हैं। मेहतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ ने चालू की है, लक्ष्मी भंडार योजना ये पश्चिम बंगाल ने चालू की है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना ये महाराष्ट्र ने चालू की है, लाड़ी बहना योजना मध्य प्रदेश ने चालू की है, महिला सम्मान योजना ये दिल्ली ने चालू की है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश ने चालू की है, और CM बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड ने चालू की है। तो ये कुछ योजनाएं थी जिनके तहत महिलाओं को मॉनिटरी बेनिफिट यानी कि पैसे दिए जाते हैं इस योजना के तहत, इन योजनाओं के तहत। तो अब कुछ राज्यों की योजनाएं देख लेते हैं, स्टेट स्कीम्स देख लेते हैं। जैसे मिशन महिला सारथी पहल किसने चालू की है, तो उत्तर प्रदेश ने चालू की है। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना किसने चालू की है, हिमाचल प्रदेश ने चालू की है। नमो सेतकरी महासम्मान निधि योजना किसने चालू की है, महाराष्ट्र ने चालू की है। कृषक उपहार योजना ये भी उत्तर प्रदेश ने चालू की है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 days किसने चालू की है, बिहार ने चालू की है। और योजना के बारे में देख लेते हैं, उन्नत आरोग्य श्री योजना ये आंध्र प्रदेश ने चालू की है। SC और ST छात्रों के लिए योग्य श्री योजना किसने चालू की है, पश्चिम बंगाल ने चालू की है। ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने चालू की है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश ने चालू की है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला UT कौन सा बना है, यानी पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, जम्मू कश्मीर बना है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित होगी, नोएडा, चेन्नई, पुणे, गांधीनगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, चेन्नई। तो चेन्नई में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग होगी और ये भारत में भी पहली बार होगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं इसी रेसिंग से संबंधित। किस भारतीय रेसर ने अपने करियर की पहली रेस जीती ली है, तो कुसमैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में एक अब सबसे पहली रेस जीती अपने करियर की। MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, शिखर धवन बने हैं। MotoGP इंडिया 2025 कहां शुरू होगा, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरू होगा। फर्स्ट ई फॉर्मूला रेस कहां पर हुई थी, हैदराबाद में हुई थी, और दूसरा संस्करण भी इसका हैदराबाद में हुआ था। भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट सर्किट कहां बना है, तो चेन्नई में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, विद हुम हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप अ नेशन मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन गुजरात, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, वियतनाम। तो भारत वियतनाम के साथ मिलकर गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर
प्रस्ताव को स्वीकार किया है। तो किस देश ने यह प्रस्ताव रखा है कि अरबपति कर लगाया जाना चाहिए? चाइना, इंडिया, रसिया या ब्राजील? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। तो ब्राजील ने अभी एक प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव ये रखा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अरबपति है तो उसको 2% टैक्स देना पड़ेगा, जिससे कि इस पैसे को किसी भले काम के लगाया जा सके। अब बात ब्राजील की हुई तो ब्राजील के बारे में जान लेते हैं। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया है। यहाँ की मुद्रा क्या है? ब्राजीलियन रियाल है। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? लुला डी सिल्वा है। यहाँ की कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया था, फेजेंडा कहा जाता है। 1992 में पहले पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में होता, जो कि ब्राजील का एक शहर है। घास के मैदान, यहाँ के यहाँ पर घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? कंपोस्ट कहा जाता है। यहाँ का एक फेमस सैंटोस बंदरगाह है। और अब की बार यानी कि 2027 में वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो महिलाओं का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा 2027 में? ब्राजील में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित रूसी विच इंडियन नेवल शिप टुक पार्ट इन रशियन नेवी डे परेड सेलिब्रेशन हेल्ड? हाल ही में आयोजित रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में किस भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया? INS विक्रांत, INS जटायु, INS किरण या INS तबर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS तबर ने रूसी नौसेना दिवस परेड में भाग लिया था। और इसके बारे में और जान लेते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में नेवा नदी पर रूसी नौसेना जहाज सोब्रा जिटेलनी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में INS तेवर एक तलवार श्रेणी का मल्टी रोल स्टिल्थ फ्रेगेट है, जिसने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के जामनगर में WHO के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए WHO को कितनी धनराशि प्रदान की है? तो हो क्या रहा है कि जो वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र है जो कि WHO डेवलप करेगा, तो उसको डेवलप करने के लिए भारत ने हामी भरी थी कि वह $250 मिलियन की फंडिंग करेगा WHO में, जिससे कि WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जामनगर में खोल सके। तो अभी इसमें पूछा गया है कि अब तक पहली किस्त कितनी जमा कर दी है भारत ने? तो ऑप्शन है $55 मिलियन, $77 मिलियन, $85 मिलियन या $100 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, $85 मिलियन। तो $85 मिलियन अब तक भारत दे चुका है, अभी इसको और पैसे और देने हैं, तो करीबन 165 मिलियन डॉलर अभी भी बकाया रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए किसने नरसंहार कानून पेश किया है? Who has introduced the massacre law to remove stray dogs, यानी कि street dogs from the streets? तुर्की, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। अब जिसका नाम बदलकर तुर्की हो गया है, तो तुर्की ने नरसंहार कानून पेश किया है, जिसके तहत क्या किया जाएगा कि आवारा कुत्ते हैं जो कि बीमार हैं और जिनको कोई ना कोई परेशानी है या पागल कुत्ते हैं, उनको मार दिया जाएगा। तो इसको बहुत सारे जो एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के जो लोग हैं, उन्होंने इसको मैशिकर लॉ बताया है, नरसंहार कानून बताया है इस कानून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया गया? व्हेन वॉज वर्ल्ड लंग कैंसर डे सेलिब्रेटेड? 2 अगस्त, 1 अगस्त, 31 जुलाई, 30 जुलाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया है। इस बार की थीम क्या रही है? क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि और भी लोग इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन ले सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।